आप देख रहे हैं बीजापुर इन्फो, मैं आपके साथ खलील कलादगी। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बबलेश्वर मतक्षेत्र के तिकोटा ग्राम में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर बबलेश्वर मतक्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार विजय गौड़ा पाटिल, बीजेपी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और लाखों समर्थक मौजूद थे। बड़ी सभा के अंदर बबलेश्वर विधानसभा में आए हुए मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जीवन के टुकड़े जैसे युवा मित्र, आज जब मैं बबलेश्वर में आया हूं, बीजापुर जिले में आया हूं, मेरा आज 36वां दिन है कर्नाटक के अंदर। 3 महीने में 36वां दिन है, पूरे कर्नाटक का दौरा करते 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 यहाँ आया। मैं मैसूर गया, बेंगलुरु गया, हुबली गया, धारवाड गया, बेल्लारी गया, सब जगह पे जाते 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 आज बबलेश्वर आया। मैं जहां भी गया इसी प्रकार की अपार भीड़ को देखा। मैं परसों तक कहता था कर्नाटक में बीजेपी की अंधेरी है, मगर आज मैं बबलेश्वर में कहता हूं बीजेपी की आंधी नहीं है, बीजेपी की सुनामी आई है। सुनामी जो सिद्धरामैया सरकार को उखाड़कर फेंक देने वाली। अभी अभी राहुल बाबा यहाँ बहुत घूम रहे हैं, देख रहे हो ना उनको? अभी अभी मैं उनको सुनता था, वो कह रहे थे कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीते। अरे राहुल बाबा, 2014 से 2014 से कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड देखो, आपको मालूम ना हो तो मैं बोलता हूं, जरा सुन लेना। 2014 के बाद सबसे पहला चुनाव महाराष्ट्र में आया, कांग्रेस गई, भाजपा आई। दूसरा चुनाव हरियाणा में आया, कांग्रेस गई, भाजपा आई। तीसरा चुनाव झारखंड में आया, कांग्रेस गई, भाजपा आई। चौथा चुनाव कश्मीर में आया, कांग्रेस गई, भाजपा आई। पांचवा चुनाव आसाम में आया, कांग्रेस गई, भाजपा आई। छठा चुनाव मणिपुर में आया, कांग्रेस गई, भाजपा आई। सातवां चुनाव उत्तराखंड में आया, कांग्रेस गई, भाजपा आई। आठवां चुनाव उत्तराखंड में आया, उत्तर प्रदेश में आया, सपा कांग्रेस दोनों गए, भारतीय जनता पार्टी आई। नौवां चुनाव गोवा में आया, फिर से भाजपा आई। दसवां चुनाव गुजरात में आया, फिर से भाजपा आई। ग्यारहवां चुनाव हिमाचल में आया, कांग्रेस गई, भाजपा आई। बारहवां चुनाव मेघालय में आया, कांग्रेस गई, भाजपा आई। तेरहवां चुनाव नागालैंड में आया, फिर से भारतीय जनता पार्टी आई। चौदहवां चुनाव त्रिपुरा में आया, कम्युनिस्ट पार्टी गई, कांग्रेस भी गई और भाजपा आई। और 15वां चुनाव अब कर्नाटक में आया। आप बताओ क्या होने वाला है? भाई कांग्रेस नहीं आई है कर्नाटक में। 5 साल तक
जिस प्रकार से कर्नाटक में सिद्धरामैया सरकार चली है, कर्नाटक को पिछड़ा होना, कर्नाटक को विकास के बारे में बहुत पीछे ले गया। मैं कुछ चीजें आपको पूछना चाहता हूं, आप बताओ मेरा गांव में 24 घंटे बिजली कर्नाटक में आती है क्या? क्या जोर से बोल आती है? आती है बिजली? किसानों की आत्महत्या कम हुई है? किसानों को फसल का दाम मिलता है? कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक है? सब में नहीं नहीं नहीं, तो सिद्धरमैया ने क्या किया है? कुछ किया है? कुछ किया है भाई? झूठ मत बोलो, कुछ तो किया है। हर जगह सोने का काम सिद्धरमैया ने किया है। अब झूठा बोलो, किया है नहीं किया सोने का काम? भाइयों, जिस सरकार का मुख्यमंत्री सोता हो वो सरकार कर्नाटक का भला नहीं। विकास के पिछड़ेपन में कर्नाटक नंबर 1, दलितों पर अत्याचार में कर्नाटक नंबर 1। अब आप बताओ, बिजली नहीं देना, पानी नहीं देना, रोजगारी नहीं देना, किसानों की आत्महत्या न रोकना, ये सरकार चल सकती है क्या? 24 साल की जगह किसी को पकड़ा नहीं गया। सिद्धरमैया कितना बचा होगा उन लोगों को? 15 तारीख को येदियुरप्पा सरकार आने वाली है। पाताल में से